उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर शासन और प्रशासन का हंटर चल रहा है। इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज कौशाम्बी जिले से बड़ी खबर सामने आई। यहां पुलिस का सरदर्द बने 1.25 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताते चले कि एनकाउंटर में ढेर किया गया गुफरान कई मामलों में वांछित चल रहा था। मौके से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल, एक अपाचे बाइक के साथ 10 जिंदा और 7 खोखा कारतूस बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक घटना मंझनपुर कोतवाली के समदा स्थित चीनी मिल के समीप हुई है। सोमवार देर रात लखनऊ एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को गुप्त सूचना मिली कि गुफरान अपने साथी के साथ कौशाम्बी में घटना को अंजाम देने निकला है, जिसके बाद एसटीएफ ने कादीपुर के समीप गुफरान और उसके साथी को घेर लिया। इस दौरान गुफरान ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गुफरान गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान शातिर अपराधी गुफरान की मौत हो गई। मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंझनपुर इलाके में समदा शुगर मिल के पास यूपी एसटीएफ ने गुफरान को घेरा। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत है और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी है। उधर एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही ने बताया कि प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली आजाद नगर निवासी गुफरान शातिर अपराधी था। पुलिस कई मामलों में उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी पर 1.25 लाख का इनाम भी घोषित था। गुफरान है, प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। इस पर 1,25,000 रुपये का रिवार्ड था, 1 लाख रुपये प्रयागराज जोन से और 25,000 रुपये सुल्तानपुर जिले से। इससे एक 32 बोर का पिस्टल स्टार का, एक 9mm कार्बाइन और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बताते चले कि गुफरान पर लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। साल 2022 में गुफरान ने सुल्तानपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया था। गोली लगने से एक कर्मी भी घायल हुआ था। इसके बाद सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित किया था। वहीं प्रतापगढ़ के चर्चित तनवीर हत्याकांड और तांत्रिक हत्याकांड में भी गुफरान फरार चल रहा था। प्रयागराज के आईजी ने इस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया था। बहरहाल प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। कौशाम्बी से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता बाकर की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।